श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर कामेश्वर राव। टुडे माय टॉपिक इज HTML प्री फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स विथ एग्जांपल्स पार्ट टू। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स ये होता है कि हमारे ब्राउज़र में जो नॉर्मल टेक्स्ट जो मेंशन होते हैं उसको कुछ डिफरेंट तरीके से या कुछ अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड, जिस अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड्स के द्वारा जिस चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिन टैग्स और एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा जो हमारे ब्राउज़र पे चेंजेस होता है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहलाता है। हमारे ब्राउज़र पे कुछ डिफरेंट आउटपुट लाने के लिए इन फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बोल्ड के रूप में, इटैलिक के रूप में, अंडरलाइन लेने के लिए, इस प्रकार से चेंजेस के लिए फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। HTML कंटेन सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग्स। हमारे जो HTML के अंदर में बहुत सारे कुछ सेवरल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स को टेक्स्ट को अलग डिफाइन करने के लिए स्पेशल रूप से मेंशन करने के लिए इन टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था बी टैग, आई टैग, यू टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग, आईएनएस टैग। इसके पहले के चैप्टर में मैंने बी टैग, आई टैग, यू टैग मैंने ब्राउज़र पे इसका आउटपुट दिखाया था नॉर्मल टेक्स्ट में इनका उपयोग करके। आज चैप्टर पे आपको स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग और आईएनएस टैग के बारे में बताऊँगा। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग एलिमेंट से पढ़ने से ऐसा आइडिया आ रहा है या क्लियर हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइप का वर्ड को मेंशन करने के लिए एक बोल्ड टाइप के वर्ड्स को आउटपुट लाने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इन HTML स्ट्रॉन्ग टैग एंड बी टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग। जो बी टैग होता है ब्राउज़र पे बोल्ड शो करता है, उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग टैग भी जो टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ होता है, अलाइनमेंट होता है, उसको ब्राउज़र पे बोल्ड शो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट इन ब्राउज़र विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस। यानी यदि किसी सेंटेंस के सामने, टेक्स्ट के सामने स्ट्रॉन्ग टैग उपयोग किया जाता है इस तो हमारे ब्राउज़र पे बोल्ड रूप में शो करेगा आउटपुट। इसके अलावा कोई भी अदर कंटेंट या एलिमेंट टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टैग मैंने मेंशन किया, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। मैंने स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज़ किया, आउटपुट हमारा इस प्रकार से आया, जैसे कि दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बोल्ड के रूप में शो हो रहा है। इसी प्रकार से ब्राउज़र पे भी बोल्ड के रूप में शो होगा। चलिए आगे देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग एग्ज़ाम्पल। HTML का टैग मैंने चालू किया, हेड का टैग मैंने ओपन किया, टाइटल का टैग मैंने यहाँ पे मेंशन किया और मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा स्ट्रॉन्ग टैग एग्जांपल। टाइटल टैग मैंने क्लोज़ किया और हेड टैग मैंने क्लोज़ किया। यहाँ से टाइटल का हेड क्लोज़ करने के बाद टाइटल का टॉपिक क्लोज हो जाता है। देन बॉडी पार्ट चालू होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं अपनी कंटेंट। बॉडी पार्ट मैंने चालू किया, इसके पश्चात मैंने एक पी टैग चालू किया जो पैराग्राफ होता है। पी टैग के अंतर्गत मैंने दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल और मैंने पी टैग क्लोज़ किया। देन आफ्टर फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे स्ट्रॉन्ग टैग मैंने चालू किया, दिस टेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग मैंने एक सेंटेंस लिखा और स्ट्रॉन्ग टैग को मैंने क्लोज़ किया। उसके पश्चात मैंने बॉडी टैग क्लोज़ किया, हमारे सारे कंटेंट मेंशन हो गए, बॉडी मैंने क्लोज़ कर दिया और HTML को मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद इसको फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र पे रन करेंगे। जैसे ही ब्राउज़र पे रन करेंगे आउटपुट इस प्रकार से आएगा, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल हमारा पहला लाइन था, देन दिस टेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग जो कि हमको ब्राउज़र पे बोल्ड के रूप में शो हो रहा है। चलिए आउटपुट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग आउटपुट। आउटपुट इन ब्राउज़र, ब्राउज़र पे किस प्रकार से शो होगा, एग्ज़ाम्पल हमारा देखिए। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट शो हुआ है स्ट्रॉन्ग टैग एग्ज़ाम्पल, हमने हेड टाइटल लिया था,
और नॉर्मल टेक्स्ट में हमको मेंशन किए थे दिस टेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे ब्राउज़र पे शो हो रहा है, बोल्ड जैसा शो हो रहा है। एम्फेसाइज़ फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन HTML, EM टैग एंड I टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग। एम्फेसाइज टेक्स्ट का मतलब इटैलिक टेक्स्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, एवं इसका उपयोग EM टैग के रूप में इसका उपयोग एडिटर पे किया जाता है। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं यहीं पे, इन HTML EM टैग एंड I टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग। जैसे कि ब्राउज़र पे हम I टैग यूज़ किए या EM टैग यूज़ किए, पर ब्राउज़र पे हमारा इटैलिक के रूप में ही, इटैलिक टेक्स्ट के रूप में, इटैलिक फॉन्ट के रूप में ही आउटपुट हमारा शो होता है ब्राउज़र पे। इन HTML EM एलिमेंट्स डिफाइंस एम्फेसाइज टेक्स्ट इन ब्राउज़र विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। यदि हम I टैग यूज़ करते हैं या EM टैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ इनफ, हमको एक्स्ट्रा कोई टैग लेने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे ब्राउज़र पे इटैलिक टेक्स्ट के रूप में या एम्फेसाइज टेक्स्ट के रूप में ब्राउज़र पे शो होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ मेंशन हुआ है, EM टैग मैंने चालू किया, दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज, है ना, और मैंने यहाँ पे EM टैग को क्लोज़ किया, आउटपुट हमारा इस प्रकार से आया, दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज, या ब्राउज़र पे हमारा इस टाइप से इटैलिक टेक्स्ट के रूप में ब्राउज़र पे आउटपुट शो होगा। चलिए हम आगे देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल, एम्फेसाइज फॉर्मेटिंग एग्ज़ाम्पल। मैंने HTML टैग ओपन किया, हेड टैग मैंने चालू किया, टाइटल टैग मैंने मेंशन किया और एक टाइटल मैंने दिया एम्फेसाइज टैग एग्ज़ाम्पल। टाइटल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, इसके पश्चात हेड पार्ट मैंने क्लोज़ किया, हमारा टाइटल पार्ट क्लोज़ हो गया, हेड टैग मैंने क्लोज़ करके हेड पार्ट क्लोज़ किया। बॉडी पार्ट चालू करते हैं, बॉडी टैग लिए, बॉडी टैग लेने के बाद हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, पी टैग मैंने चालू किया, पैराग्राफ के रूप में पी टैग उपयोग करते हैं, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल मैंने मेंशन किया, पी टैग को मैंने क्लोज़ किया। देन आफ्टर EM टैग चालू करके दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज मेंशन किया और EM टैग को क्लोज़ किया, बॉडी हमारा कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम बॉडी टैग को क्लोज़ करते हैं और HTML को हम क्लोज़ करते हैं। HTML क्लोज़ करने के बाद हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव करके जब ब्राउज़र पे आउटपुट चेक करते हैं तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से आता है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल। ये हमारा पहला लाइन था पैराग्राफ वाला, पी टैग वाला। अब आउटपुट देखते हैं, दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज, हमारा इटैलिक फॉन्ट के रूप में ब्राउज़र शो हो रहा है, ब्राउज़र पे यह आउटपुट शो हो रहा है, जैसा कि हमने EM टैग यूज़ किए थे। एम्फेसाइज फॉर्मेटिंग आउटपुट, चलिए आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे, इस एग्जांपल का आउटपुट क्या आता है। आउटपुट इन ब्राउज़र, ब्राउज़र पे आउटपुट इस प्रकार से आएगा, एम्फेसाइज टैग एग्जांपल जो हम पे टाइटल दिए थे वो मेंशन हुआ है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल हमारा जो पैराग्राफ का पी टैग का एग्जाम्पल था, और दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज जो हमारा EM टैग यूज़ किए थे, इसका आउटपुट ब्राउज़र पे इस प्रकार से आया है, लाइक इटैलिक टेक्स्ट। इंसर्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट, इंसर्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हमारा अंडरलाइन का यूज़ किया जाता है MS ऑफिस में, उसी प्रकार से हम इंसर्ट टैग का उपयोग अंडरलाइन के रूप में भी किया जाता है। इन HTML INS टैग एंड U टैग एलिमेंट्स आर सेम वर्किंग, यानी कि हमारे ब्राउज़र पे U टैग उपयोग करेंगे या INS टैग उपयोग करेंगे, दोनों ही टैग का आउटपुट हमारे ब्राउज़र पे अंडरलाइन के रूप में शो होता है। इन HTML INS एलिमेंट्स डिफाइन अंडरलाइन टेक्स्ट इन ब्राउज़र विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, यानी कि यदि हम HTML के एडिटर पे INS टैग का उपयोग करते हैं तो हमारे ब्राउज़र पे किसी और ब्राउज़र पे अंडरलाइन जैसा आउटपुट आता है, इसके पश्चात
INS टैग का उपयोग करने के बाद और किसी टैग या एलिमेंट या एट्रीब्यूट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, INS टैग हमने चालू किया, दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्ट, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा और INS टैग को मैंने क्लोज़ किया, आउटपुट हमारा इस प्रकार से आएगा, दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्ट, यानी कि हमारा अंडरलाइन के रूप में शो हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इंसर्ट फॉर्मेटिंग एग्जाम्पल, HTML का टैग मैंने चालू किया, हेड टैग मैंने चालू किया, टाइटल टैग मेंशन करने के बाद मैंने कुछ टाइटल दिया, इंसर्ट टैग एग्जाम्पल, और टाइटल टैग मैंने यहाँ क्लोज़ किया, देन आफ्टर हेड टैग मैंने हेड पार्ट मैंने क्लोज़ कर दिया, हमारा हेडिंग पार्ट क्लोज़ हो गया, देन बॉडी पार्ट चालू हो गया, बॉडी पार्ट चालू होने के बाद हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, पी टैग चालू करने के बाद दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, पी टैग क्लोज़ कर दिए, देन यहाँ पे INS टैग चालू करके दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्ट सेंटेंस लिखने के बाद INS टैग क्लोज़ किए, इसके पश्चात बॉडी टैग कंप्लीट हो गया, बॉडी टैग मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। HTML का यहाँ पे मैंने यहाँ शुरू में HTML चालू किया था, यहाँ पे एंड टैग के द्वारा HTML क्लोज़ कर दिया, फाइल को सेव कर दिया और फाइल को सेव करने के बाद मैंने रन किया। ठीक है, फाइल सेव करने के लिए .html के नाम से फाइल सेव किया जाता है, आउटपुट इस प्रकार से आया हमारा, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल पैराग्राफ के रूप में था, और दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्ट, यानी कि हमारा आउटपुट अंडरलाइन के रूप में ब्राउज़र पे शो होगा। चलिए आगे देखते हैं ब्राउज़र पे इसका आउटपुट किस प्रकार से आता है। इंसर्ट फॉर्मेटिंग आउटपुट, आउटपुट इन ब्राउज़र, ब्राउज़र पे आउटपुट कैसे आएगा। इंसर्ट टैग एग्जांपल, ब्राउज़र की सबसे शुरुआत में टैग का टाइटल आ गया, सॉरी ब्राउज़र में टैग का टाइटल आ गया, और पहला जो है लाइन या सेंटेंस है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, ये पी टैग का एग्जांपल था, और दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्ट, ये INS टैग का आउटपुट ब्राउज़र पे शो हो रहा है, या कह सकते हैं अंडरलाइन के रूप में ये सेंटेंस शो हो रहा है। दिस इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट HTML प्रीफॉर्मेटिंग एलिमेंट्स विथ एग्जाम्पल पार्ट 2। थैंक यू ऑल।